गाइस आज हम आ चुके हैं अहमदाबाद के रायपुर दरवाजे के पास, और ये काफ़ी पुरानी दुकान है, फेमस है, नाम है रायपुर भजिया वाला, 1933 से, और शायद अहमदाबाद की पहली दुकान है भजिया के मामले में जिन्होंने भजिया चालू करा। यहाँ की तीन तरीके की भजिया है, तीनों ट्राई करेंगे, आपको टेस्ट करके बताएंगे। चलिए हमारे साथ, और साथ में एक फेमस लस्सी वाला भी है, श्रीजी लस्सी, दोनों के आइटम साथ में ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसे स्वाद। तो रायपुर भजिया हाउस के भाई हम पीछे आ चुके हैं, गोदाम है, यहाँ पे बनते रहते हैं और सर्व होते हैं वहाँ पे, और 1933 से है ये दुकान, भजिया की सबसे पुरानी रही है ना। इससे पहले भजिया अहमदाबाद में चालू नहीं हुआ कहीं भी? नहीं नहीं, ये पहली दुकान है। पहली दुकान है, ठीक है, बढ़िया। चले अंदर चलते हैं, आपको मेकिंग दिखाते हैं। ये रायपुर दरवाज़ा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे अपनी भजिया बन रही है, और भैया कितने तरीके की भजिया रहती है यहाँ पे? तीन तरीके की। तीन तरीके की, अच्छा, आपने एक एक तरीके की तीनों ने पकड़ रखी है हाथ में, क्या कौन कौन सी रहते हैं अभी? तो मेथी और बटाटा वड़ा। अच्छा, और बटाका वड़ा का भजिया जो है वो अभी बाद में लगेगा। बाद में लगेगा, अभी मेथी का लग रहा है। मेथी और बटाके का। बटाके, ठीक है। ये देखिए, ये वाला मेथी वाला है। हाँ ठीक है। और बटाटा वाला उधर लग रहा है? बटाके वाला, ठीक है। बटाटा माने आलू ही हो गया ना? आलू, आलू रह गया। यहाँ बनते रहते हैं यहाँ पे, ये रायपुर के सबसे पुराना रहा है ना? ये बहुत पुराना है। अच्छा, और प्रख्यात भी है अहमदाबाद का। प्रख्यात भी है। सबसे पहले भजिया इन्होंने चालू किया? इन्होंने चालू किया सबसे पहले। अच्छा, आलू का मसाला वाला होता है। अच्छा, एक आलू चिप्स वाला रहता है। आलू चिप्स वाला रहता है, ठीक है। चिप्स वाला भी लेट बनेगा? नहीं, चिप्स वाला ही है। कौन से वाला लेट बनेगा? मसाले वाला। मसाले वाला लेट बनेगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये कितना टाइम किस टाइम पूरा बनते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, जैसे लोड खत्म होता है ये चालू ही रहता है। अच्छा, ठीक है। तो रेडी हो रही है हमारी भजिया यहाँ पे, और ये हमने भजिया बनेगा, ये बेसन डालते हैं। बेसन और क्या रहता है साथ में? बेसन रहता है, और क्या रहता है? वो मसाले वाले में मैदा डालना पड़ता है। अच्छा, मैदा डालना पड़ता है, ठीक है। ये मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए भाई मिक्स हो रहा है यहाँ पे, बेसन मैदा और पानी रहता है अभी, ठीक है। यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, अलग लेवल की है, मुनीश बहुत मुश्किल हो रही है। और यहाँ पर भाई काम करते हैं रेगुलर, वो भी इतनी सारी भजिया बनाते हुए। ये देखिए भाई, गर्मा गर्म भजिया अपनी, बिल्कुल जैसे मज़ा आ रहा है, देखिए यार। ये बटाटा वाला मसाला है। हाँ, और ये इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है, बेसन में ना? हाँ, फिर डाल देंगे, ठीक है। बढ़िया, बटाटा बढ़ा के आप देख रहे हैं, गेंदे से बना लेते हैं, अनार वगैरह भी डाल रखे हैं, काजू भी है। अरे भाई ये तो अलग ही लेवल है यार, देख रहे हैं आप, पास से देखेंगे काजू भी दिख रहे हैं, अनार भी दिख रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा पसंद ये बटाटा बढ़ा ही करा जाता है यहाँ पे, है ना? हेमा, काजू, दराक्ष, अनार, अच्छा, और ये हरी धनिया। क्या बात है, शाही खाना हो गया भाई, काजू वाजू डल रहे हैं। पूरी रात बनते रहती है, पूरा टाइम मिलेगी, पूरी रात बनती रहती है। और यहाँ उत्तरायण में बहुत लोग खाने आते हैं रायपुर के। अच्छा, संक्रांत होती है ना तभी, ठीक है। ये अपनी भजिया हुई है तैयार, बिल्कुल गर्मा गर्म भजिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अच्छा, ये सर्व कैसे होती है? डायरेक्ट खाई जाती है, चटनी वटनी होती है साथ में? चटनी होती नहीं होती, ऐसे दे देते, कुछ प्याज भी नहीं, कुछ मिर्च भी नहीं। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही सीधा खाओ? हाँ, ऐसा सीधे ही खाओ। भजिया हो गई अपनी पूरी तरह, आइए ट्राई करते और बताते हैं कैसा स्वाद। और भाई ये गोदाम में रेडी होते हैं, और सामने है इनकी दुकान रायपुर भजिया के नाम से, वहाँ पर जाएगा, वहीं पर कस्टमर वेट कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे भजिया लग रही है, पैकिंग करने की इनकी स्पीड बहुत कमाल की है, ये देखिए तो पार्सल कहते हैं यहाँ पे पैकिंग का ना? हाँ, पार्सल ही रहता है, पार्सल रहता है। और यहाँ पे खड़े होकर बाहर पे खा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बाहर ही खाने, दोनों ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, 50 रुपये की भजिया है। अच्छा, किलो यहाँ पे 250 रुपये है सामने, और 160 रुपये किलो भी है। मेथी के है 250 रुपये के, और मेथी के 250 के, चिप्स वाले है ना वो 160 रुपये के किलो है। अच्छा, ये धागे से भाई पूरा बंद करके देते हैं ना? पूरा
सही है, चीज़ मुझे अच्छी लगी। रबड़ वबड़ का कोई जुगाड़ यहाँ पे नहीं है, धागा और कागज़। ये देखिए, ये हमने मिक्स करवाए हैं 50 रुपीज़ के। ये कोई चटनी नहीं देते, कोई मिर्ची नहीं देते, सीधे खाए जाते हैं यहाँ पे। क्या बात है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। आप तो खैर खाते रहते होंगे यहाँ पे, है ना? हम तो खाते ही रहते हैं। सही है। ये मैं कहूँगा ये आलू वाला है ना? हाँ, वो चिप्स वाला, चिप्स वाला। ये भी चिप्स वाला ही है, चिप्स वाला ही। और ये मेथी का है। कैसे लगे आपको? मुझे बढ़िया लगा, पर मुझे हल्का सा मिठासपन लग रहा है। हाँ, थोड़ा मीठा सा, हल्का सा है। थोड़ा सा मैदा भी इन्होंने डाला बाइंडिंग के लिए ना। सही है। ये मेथी वाला है, आलू वाला। ये ट्राई करो। हाँ, बटाटा वाला बोला ना इसने, वही ये तो बड़ा सॉफ्ट है। हाँ, क्या बात है, अच्छा लगेगा आपको खा के। देखो, हाँ ये बहुत सॉफ्ट लग रहा है। देखो ये गरम गरम है। बिल्कुल गरम गरम। अल्टीमेट है, प्रॉपर। आपको स्पाइसी लगने वाला है, बट एक हल्का सा मिठासपन है। लेकिन अच्छा लग रहा है ना वैसा भी। गुजराती मीठा थोड़ा खाते हैं ना। हाँ, थोड़ा मीठा होता है। हाँ, अलग है थोड़ा। तो इसके लिए भी अच्छा रहता है थोड़ा। अच्छा तो गर्मा गर्म भजिया खाने के बाद जैसे हम सामने आ चुके हैं श्री जी कॉर्नर लस्सी वाले। ये काफ़ी फेमस दुकान है, 1989 से आप बता रहे थे यहाँ पे ना, काफ़ी 32 साल हो चुके हैं, 32-33 साल। और स्पेशलिटी ये रहेगी कि यहाँ की लस्सी जो है बहुत गाढ़ी रहती है, पानी यूज़ नहीं करते दही में, प्योर दही की रहती है। तो मेन्यू आप एक बार देख लीजिए, मीठी लस्सी, मलाई लस्सी, इतना तो समझ आ रहा है। उसके नीचे मुझे नहीं आ रहा वो केसरिया लस्सी हो गई 35 रुपए की। रियल मैंगो श्रीजी स्पेशल ड्राई फ्रूट लस्सी, क्रीम सलाद और कोल्ड कोको। क्या बात है। तो ये है लेकिन स्पेशल रहती है कि मलाई लस्सी। तो भाई श्रीजी की लस्सी आ चुकी है, मलाई वाली आपकी लस्सी। ठीक है, निकाल दीजिए 5 लस्सी। सही है, इनका खुद का रहता है ये, पहले बनाकर अंदर रेफ्रिजरेटर में आप रख देते हो, है ना? ठीक है, तो लस्सी अपने आ चुकी है, मलाईदार लस्सी है। मैं आपको एक बार क्लोजअप से दिखाऊं। ये देखिए, थिक लेयर है मलाई की, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका क्या प्राइस रहता है आप मलाई वाला? 30 रुपीज़ का प्राइस रहता है। श्री जी लस्सी भी काफ़ी पुराना नाम है यहाँ पे, 1989 से इसके ऊपर लिखा हुआ है। चलिए इसे भी टेस्ट करते हैं। मलाई की लेयर बहुत थिक है, ठंडी ठंडी लस्सी। अच्छा, यहाँ पे अहमदाबाद में भी लस्सी चलती है खूब, मीठी लस्सी चलती है वो नमकीन वाली? मीठी चलती है, नमकीन नहीं चलती है, मीठी ज़्यादा चलती है। सही है, लस्सी तो मतलब ऐसा है कि चाहे आप पंजाब चल जाओ, चाहे नीचे चल जाओ, लस्सी मिलती है, सबको अच्छी लगती है। सबको अच्छी लगती है। बात कर लो इनसे अभी। बोलो सर, श्री जी वैसे कब कब स्टार्ट करा था? 32 साल पुरानी है। ठीक है, और भी ब्रांचे हैं वगैरह इसकी? नहीं, फ्रेंचाइजी देते नहीं है, लेकिन डिस्काउंट पे देते हैं, जो प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट करके देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल रायपुर दरवाजे के जस्ट सामने है। भजिया जब आप खाएंगे, गर्मा गर्म भजिया है, तो फिर उसके साथ में ये लस्सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है बढ़िया। बढ़िया ग्लास। तो भाई वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और हमें बताइए आपको भजिया लस्सी कैसी लगी यहाँ पे? और वैसे काफ़ी फेमस है यहाँ पे, काफ़ी प्रख्यात है यहाँ पे ना लस्सी, काफ़ी पुरानी और फेमस। हाँ, और रायपुर वाला तो और ज़्यादा फेमस है। फेमस है, सही है, बिल्कुल रायपुर दरवाजे के सामने है, एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में है। तो कभी अहमदाबाद विजिट करते हैं तो आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत डिलीशियस है, मज़ा आ गया सच में। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब हमारा जरूर करें गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।